है ट्रैक गो कार्टिंग का। सत श्री अकाल जी सारयां नूं, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब मेरी तरह बिल्कुल ठीक ही होंगे और ठीक ही रहना। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में, और आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक बार फिर से गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर की सबसे बेहतरीन सिटी। वहाँ पे हम आज आपको लेके चल रहे हैं गो कार्टिंग कराने के लिए। तो अभी हम पहुँच गए झंडे वाला, हमने अभी क्रॉस किया है और स्टार्ट करी अपनी जर्नी। मोटर ब्लॉग करते हुए जा रहे हैं काफ़ी टाइम बाद, राइडिंग गियर्स भी पहने हुए हैं आज, और मौसम थोड़ा सा ठंडा है, थोड़ा सा गर्म है, यानी कि खट्टा मीठा मौसम हो रखा है। तो देखते हैं, चलते हैं, क्या रहेगा आगे का वीडियो, रास्ते में आपसे बातें करते हुए चलेंगे। सो मेरे सामने आप देख रहे हो एक टूरिंग बाइक, मुझे बहुत पसंद है टूरिंग बाइक और मेरा सपना है टूरिंग बाइक लेने का। तो बहुत सही लग रही है यार, क्या बाइक है। तो जहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं गो कार्टिंग के लिए, वो है जगह गुड़गांव में सेक्टर 83 के अंदर एंटरटेन लैंड मॉल के बाहर। कहा जाता है कि ये जो ट्रैक है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रैक है गो कार्टिंग के लिए, जो कि 600 मीटर का है। क्या क्या टिकट है, क्या क्या प्राइजेज है, क्या क्या आपको सहूलियत वहाँ पर मिलेगी, क्या क्या आप खा सकते हैं, खेल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। वीकेंड का दिन है, सैटरडे का दिन है, एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ी सी भीड़ होगी, बट इट्स ओके। चलते हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं, वीडियो भी करते हैं शुरुआत। सो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं धौला कुआं, और ये रोड सीधा गुरुग्राम जाता है। आप लोगों को जैसा कि पता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं कि रोड सीधा गुड़गांव की तरफ निकलता है। गुड़गांव के बाद ये मानेसर, मानेसर के बाद सीधा आप इस रोड के थ्रू राजस्थान की तरफ बढ़ सकते हैं, और ये है धौला कुआं का मेट्रो स्टेशन। तो अभी मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है कहाँ जाना है, अभी थोड़ा आगे जाके जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैं आता जाता रहता हूँ वहाँ पर जाके हम लोकेशन लगाएंगे अपने फ़ोन के ऊपर, और उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ गो कार्टिंग को लेकर, मेरा काफ़ी समय से मन था। तो एक जगह मैंने ऑलरेडी ढूंढी थी गुड़गांव में, लेकिन ट्रैक वो काफ़ी जो है ना छोटा था। तो एक फिर इस जगह के बारे में मुझे पता चला कि ये बनने वाली नई, यहाँ पे ट्रैक काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो मैं इसका वेट कर रहा था। अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 महीने हो चुके हैं इसको बने हुए, बट आज मुझे मौका मिला तो मैं जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही जा रहा हूँ, आप लोगों को भी साथ में लेके जा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, अपने कैमरा के लेंस के माध्यम से। तो जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाइए, और इस फैमिली को बड़ा करने के लिए हमारा साथ दीजिए। अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि रेगुलर वीडियो आ रही हैं, अलग अलग कंटेंट आ रहे हैं, और अभी आने वाली है हमारी एक लॉन्ग ट्रिप, उसकी भी तैयारी चल रही है, काफ़ी शॉपिंग भी बाकी है उसकी, और बाइक से रिलेटेड भी काफ़ी सर्विस करानी है अभी मुझे। तो काफ़ी एंटरटेनमेंट रहेगा बाइकिंग से रिलेटेड, मोटो व्लॉग से रिलेटेड मेरे चैनल के ऊपर। तो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी इन्जॉय कीजिए वीडियो को, बस कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे और आपको दिखाएंगे गो कार्टिंग के मजे। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं एम्बियंस मॉल गुड़गांव के पास। अब यहां से हम जो है लोकेशन लगाएंगे कि जो हमारा गो कार्टिंग प्लेस है एंटरटेन लैंड मॉल, वो कहां है, कितनी दूर है, हम यहां से जज करेंगे। अब यहां से जो है आगे का सफ़र किया जाएगा, तो साइड में रोक के सबसे पहले लोकेशन लगा ली जाए। हैं
तो एम्बियंस मॉल से भी अभी 22 किलोमीटर दिखा रहा है, 44 मिनट्स बता रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो अभी भी ये बता रहे हैं कि 14 मिनट बाकी है, मतलब पिछले आधे घंटे से हमें घुमाए जा रहे हैं। और ये है गुड़गांव से हम पता नहीं दुनिया के किस कोने में आए, अब यहाँ से लेफ्ट लेने के लिए बोला जा रहा है हमें। अभी भी दिखा रहा है कि 7.5 किलोमीटर पेंडिंग है, 10-12 मिनट का रास्ता अभी भी दिखा रहे हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं गूगल पर विश्वास करके। गूगल तो आजकल सरकारी बैंकों की तरह हो गया है, जो कि हमें घुमाता रहता है। तो बहुत टाइम बाद, बिल्कुल थका देने के बाद हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। तो गूगल के ऊपर काम करना चाहिए, गूगल मैप्स के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड यही एक तरीका यूज़ किया जाता है ट्रैवल करने के लिए। तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। बाकी गूगल ने बहुत बुरी तरह से हमें घुमा दिया, लगभग अभी भी 7 किलोमीटर का रास्ता बाकी है, अभी भी 6.5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलते हैं देखते हैं, ये सफ़र हमारा सफल होना चाहिए तब आएगा मज़ा। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पहाड़ भी शुरू हो गए हैं सामने की तरफ, अगर आपको नज़र आ रहा हो कैमरे से तो पहाड़ शुरू हो चुके हैं इधर। और ये पहाड़ शुरू हो गए हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा हमें, बस को मुड़ने के लिए जगह देनी थी। तो कंटिन्यू करते हैं। तो पहाड़ देखिए, दिल्ली से निकलते ही पहाड़ आ गए हैं, चेक कर सकते हैं आप मेरे लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ से हमें राइट लेना है, जो गूगल बाबा दिखा रहे हैं उस हिसाब से। तो लेफ्ट की तरफ पहाड़ रह गए और राइट की तरफ ये मोड़ मुड़ गया है। अब 4.5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो सामने की तरफ आप देख सकते हैं हयात रेजेंसी। अब मुझे समझ आ गया थोड़ा थोड़ा रोड, और ये गूगल ने सही में हमारा पोपट बनाया है। ये सीधा देखिए हाईवे के ऊपर है ये, और अगर आप आते हैं तो प्लीज़ हाईवे से ही आइएगा। गूगल ने हमारा जो पोपट बनाया बिल्कुल अंदर से घुमा के लेके आया, और सीरियसली बहुत ही गंदी सर्विस मैं कहूँगा गूगल की इस समय, कि कम से कम नहीं तो हमें 10 से 15 किलोमीटर गूगल ने घुमाया, और मैं लिटरली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ ये जान करके। इन्होंने हाईवे से हटा कर हमें स्टेट यानी कि सिटी के अंदर से लेके आया गूगल, और अब हमें बहुत ज़्यादा घूमना पड़ गया है तो। लेकिन चलिए मेरी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी यहाँ आएंगे तो हाईवे के थ्रू ही आइएगा। और अगर कोई गूगल अगर कोई इंसान होता तो मैं कसम से उसके मुक्का मार देता, और उसके इतने मुक्के मारता कि उसका मुँह सुझा देता मार मार के। एंटरटेन लैंड, आप बोर्ड देख रहे होगे यहाँ पर, यहाँ हमें जाना है। तो आई थिंक ये है एंट्री, तो ये है एंट्री। देखिए ट्रैक, वाओ, लोग गो कार्टिंग कर रहे हैं आप देख सकते हो। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं एंटरटेन लैंड यानी कि गो कार्टिंग करने के लिए यहाँ पर, और टिकट्स वगैरह हमने ले ली है। टिकट की बात की जाए तो यहाँ पे 650 पर पर्सन है, और ड्यूरेशन टाइम जो है 8 मिनट है। तो मेरे को थोड़ा कम लगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है, 8 मिनट बहुत कम है। मेरे को लग रहा है एक राउंड मारूंगा उसी में ख़त्म हो जाएगा, बट फिर भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं ट्रैक वगैरह सब चीज़ें दिखाते हैं। प्राइजेस एक बार मैं फिर से बता दूँ, 650 पर पर्सन है, और ड्यूरेशन टाइम जो रहेगा 8 मिनट का रहेगा। तो चलते हैं ट्रैक पर, थोड़ा नज़ारे दिखाते हैं आपको और गो कार्टिंग के मज़े दिलाते हैं। ओके, तो ये है ट्रैक गो कार्टिंग का, देख सकते हो आप। तो ऐसी है कुछ कार्ड यहाँ पर, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ राइड करने के लिए कार्ट के अंदर, जो है ड्राइव करने के लिए काफ़ी क्योंकि बताया जा रहा है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा गो कार्टिंग ट्रैक है, जो कि 600 मीटर का है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रैक पूरा।
भाई ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि काफ़ी एक्साइटेड हूँ, फर्स्ट टाइम गो कार्टिंग कर रहा हूँ, तो आप भी आ सकते हो। पीछे की तरफ आप देख सकते हैं ये ग्रैंड हयात होटल है गुड़गांव का, सेक्टर 83 के अंदर। हमें गूगल ने थोड़ा घुमा के लेके आया है, तो आप हाईवे से सीधा आ सकते हैं, सर्विस रोड पे लेंगे उसके बाद यू टर्न मारेंगे। तो ये एंटरटेन लैंड करके एक मॉल है जहाँ पे गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और ये ट्रैक आप पीछे देख सकते हो कि गो कार्टिंग का ट्रैक है। लोग लुत्फ उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और हमारा स्लॉट अगला स्लॉट है, तो हम वन बाय वन जाएंगे। पहले मैं जाऊँगा और पूरा आपको व्यू दिखाऊँगा अपने GoPro के माध्यम से, हेलमेट कैमरा के माध्यम से पूरा व्यू दिखाऊंगा। और 8 मिनट का जो है ड्यूरेशन टाइम है यहाँ पे 650 रुपीज़ के अंदर। अगर आप 16 मिनट का करना चाहते हो तो 1300 आपको डीले करने पड़ेंगे, बट प्राइस के हिसाब से बताऊं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्रैक काफ़ी बड़ा है तो पैसा वसूल है। क्योंकि मैंने काफ़ी गो कार्टिंग ट्रैक देखे कि जो कि छोटे हैं और जिनके रेट 700-800 रुपये और लैप जो है 5-6 मिनट का रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है 8 मिनट का ड्यूरेशन टाइम आपको मिल रहा है 650 में, वो भी लार्जेस्ट गो कार्टिंग ट्रैक ऑफ इंडिया का 600 मीटर्स, तो पैसा वसूल है। तो ये हेलमेट्स वगैरह आप लगा सकते हैं, यहाँ पे स्टड्स के रखे हुए हैं, तो छोटे हेलमेट बड़े हेलमेट अपने साइज़ के हिसाब से ले सकते हैं, बट मैं अपना हेलमेट लेके आया हूँ। तो ये हम बैठ चुके हैं अपनी कार्ट पे, अब देखते हैं कब तक स्टार्ट होगी। कार्ट नंबर 12 है मेरी, वो 01 या 04 है। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हमें अपनी गो कार्टिंग, थोड़ा सा टाइट चल रहा है मामला। ओ नज़ारे, आई होप आपको पूरा व्यू आ रहा होगा। थोड़ा सा स्टेयरिंग जो है इसका टाइट चलता है ताकि ज़्यादा ना घूमे। ओ भाई साहब, F1 की फीलिंग आ रही है पूरी, गजब। अरे टक्कर होते होते बची है, थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस काम आते हुए। गजब, एकदम मजा आ गया है यहाँ पर। ओ एक नंबर नजारे भाई, एक नंबर। यहाँ पर टक्कर होते हैं बसती है, लेकिन बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया ड्राइविंग का मुजाहरा करते हुए। और मैं हिट हो गया। और मैं ठुक गया भाई, गजब, गेम ओवर होते होते बच गई।
और ये तीनों आगे जा रहे हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है बट इट्स ओके, एंजॉयमेंट चल रही है, पूरी पूरी मजे आ रहे हैं। अब जाके थोड़ी गाड़ी समझ आई है कि कैसे चलानी है। इतना पता है कि भाई अगली बार अगर चलाऊंगा ना बढ़िया चलाऊंगा। और ये झंडा दिखा दिया गया हमें कि रेस एंड करने के लिए, तो ये हमारी अब रेस एंड होने जा रही है। तो ये एंड हो गई हमारी रेस यहाँ पर है। लेकिन ये डिफेंस अच्छा था मेरा, डिफेंस अच्छा था, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो गाइज मजा आ गया, आई होप आपको भी मजा आया होगा वीडियो के अंदर। अमेजिंग एक्सपीरियंस, मेरा पहला एक्सपीरियंस था गो कार्टिंग का। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो, जिसका नाम है कार्टिंग प्लेक्स प्लेया, नाम लिखा हुआ आ रहा होगा आपको, जो कि गुड़गांव सेक्टर 83 के अंदर है। यहाँ पे 650 पर पर्सन है, 8 मिनट है, लेकिन लिटरली मेरे को, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 8 मिनट बहुत कम है, लेकिन जब हम करते हैं राइड करते हैं तो हमें लगता है कि 8 मिनट बहुत ज़्यादा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।